अब अगर प्लैटिना को समझना है और उसकी इस विशिष्ट पर्सनालिटी को जानना है तो इसकी स्टडी बेसिकली तीन हेडिंग्स के अंतर्गत हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला, इसका जो एक्शन होता है वो माइंड पर होता है, तो माइंड में इसके क्या क्या चेंजेस आते हैं वहां से हम प्लैटिना को समझ सकते हैं। दूसरा, इसका जो एक्शन है वो नर्वस सिस्टम पर होता है, तो नर्वस सिस्टम में जो भी पिक्युलैरिटीज हैं उसके द्वारा हम समझ सकते हैं प्लैटिना को। और तीसरा, इसका जो एक्शन है फीमेल ऑर्गन्स पर, खास करके सेक्सुअल ऑर्गन्स पर, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स पर ये किस तरीके से अपना प्रभाव डालता है और क्या चेंजेस ये लेकर आता है उससे हम प्लैटिना को समझ सकते हैं। तो ये तीन एक्सिस हैं या तीन हेडिंग्स हैं जिनके अंतर्गत हमको प्लैटिना समझना चाहिए। प्लैटिना को जब आप पढ़ते हैं अलग अलग किताबों से, तो आप डॉक्टर केंट की एक जो किताब है वो बहुत ही अच्छी बुक होती है डॉक्टर केंट की, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो डॉक्टर केंट ने अपनी किताब लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में प्लैटिना की जब शुरुआत की है तो शुरुआत ही इन्हीं शब्दों के साथ वो करते हैं, द प्लैटिनम प्रूविंग रिप्रेजेंट्स द वुमेन्स माइंड परवर्टेड। क्या कहते हैं? द प्लैटिनम प्रूविंग रिप्रेजेंट्स द वुमेन्स माइंड परवर्टेड। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं ज्यादातर पर्टिकुलर और फिजिकल्स पर मैं फोकस करता हूँ जब भी मैं किसी मेडिसिन को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये वो मेडिसिन नहीं है जहां पर बिना माइंड को डिस्कस किए मैं सीधे सीधे पर्टिकुलर्स पर पहुंच जाऊं। इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा प्रभाव ही माइंड पर होता है, सबसे ज्यादा एक्शन ही इसका माइंड पर होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अब अगर, क्योंकि यहां पर वुमन लिखा है बार बार, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि ये पुरुषों में काम नहीं करती, ये पुरुष में भी उतनी ही सफलतापूर्वक काम करती है जितना कि ये महिलाओं में करेगी, बशर्ते वो मैच होना चाहिए। ये जो मेंटल डिस्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं, जो ये एक्शन ऑन माइंड की हम बात कर रहे हैं, जो ये परवर्जन ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, वो अगर मैच करता है, वो अगर समान रूप से दिखाई देता है जैसा कि प्लैटिना में होना चाहिए, तो वैसा वो पुरुषों में भी अगर मिलता है तो पुरुषों में भी वो काम करेगा। बस शर्त यह है कि वो माइंड प्रॉपर मैच होना चाहिए उसका। इस दवा की सबसे खास विशेषताओं में से एक है कि मरीज के अंदर ऐसे भाव पैदा करता है, ये जो परवर्जन की हम बात करें ना, मेंटल परवर्जन की या परवर्जन ऑफ माइंड की, जो जिसके बारे में डॉक्टर केंट अपने शुरुआती लाइन में, पहली लाइन में ही लिख देते हैं, तो इस दवा की जो ये खास विशेषता है वो यही परवर्जन है कि मरीज के अंदर वो ऐसे भाव पैदा करता है कि वो सबसे उच्च है, वो सबसे नोबल है, सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे महंगी है, वो सबसे ज्यादा कीमती है, वो अत्यंत अहंकारी हो जाती है। तो उसका जो ये अहंकार है कि मैं सबसे उच्च हूं, बाकी सब नीच हैं, बाकी सब नीचतम है, बाकी सब निचले दर्जे के हैं, दोयम दर्जे के हैं, और मैं सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ हूं, तो ये जो भाव होता है यही भाव प्लैटिना माइंड में वो परवर्ट करता है, इसी भाव को वो पैदा करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस दवा की सबसे खास विशेषताओं में से है ये कि ये मरीज के अंदर उच्चता का भाव पैदा करता है कि वो बहुत ही हाई क्लास का है, वो अत्यंत अहंकारी हो जाती है, बेहद घमंडी हो जाती है, उसके मन में स्वयं के लिए ऐसे भाव आ जाते हैं कि वो सबसे ज्यादा माननीय है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा हाई क्लास की है, सबसे ज्यादा कुलीन है। उसे लगता है कि जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है उस परिवार में भी वो सबसे ऊंची है। उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसका जन्म सबसे उच्चतम कुल में हुआ है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनका स्तर उसके मुकाबले नहीं है। उसको अपने घर के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सब उसको अपने से कम माननीय लगते हैं। उसको लगता है इन लोगों की क्या हैसियत है मेरे सामने, ये लोग क्या हैं, ये लोग कुछ नहीं है। बाकी के लोग उसकी श्रेष्ठता की अपेक्षा कम श्रेष्ठ हैं, या फिर वो कुछ नहीं है, बहुत ही दोयम दर्जे के हैं, बहुत कम है वो लोग।
अगर सुंदरता की बात होगी तो वो कहेगी कि या उसके आचरण का ऐसा आभास होगा, उसके आपके हाव भाव से आपको उसको ऐसा लगे, आपको लगेगा कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है और बाकी के लोग उसकी सुंदरता के आगे सब बदसूरत हैं, कोई उसके आगे टिकता भी नहीं है, ऐसा उसको महसूस होता है। उसको लगता है कि वो सबसे ज्यादा ग्रेट है, एक ग्रैंड्योर का फीलिंग होता है। उसको लगता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं सब उससे हीन हैं, सब उससे कमतर हैं। इसके साथ ही साथ जहां उसको अपनी श्रेष्ठता का आभास होगा वहीं पर वो दूसरों को बहुत ही नीच और निम्न वर्ग का समझती है, दूसरों को बहुत ही तुच्छ और छोटी हैसियत वाला समझती है। तो ये कॉम्बिनेशन है, सिर्फ अपने आप को ऊंचा ही नहीं समझती, दूसरों को बहुत नीचा भी समझती है। दूसरों के साथ वो बहुत ही तुच्छ और छोटी हैसियत वाला दूसरों को वो समझती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये साथ साथ चलता है, खुद के लिए हाई फीलिंग और दूसरों के लिए लो फीलिंग। वो अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में सोचती है कि बाकी सब मनुष्य उसकी अपेक्षा सब तरह से शक्तिहीन है और वो स्वयं बहुत शक्तिशाली है। ये भाव जो अभी हमने चर्चा किया, एक दो सेंटेंसेस मैंने बार बार रिपीट किए, उसका कारण ये है कि आप इसके कोई भी कंप्लेंट्स ले लीजिए, ये फीलिंग्स उसके साथ साथ चलेंगी। खुद के लिए एक हाई ओपिनियन, एक ग्रैंडियर वाली फीलिंग, और दूसरों की एकदम लो वाली फीलिंग, एकदम निम्न वर्ग, एकदम दोयम दर्जे वाली फीलिंग, ये सब ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, ये सब बहुत छोटे लोग हैं मेरे सामने, मैं बहुत ही उच्चतम कुल से हूँ, बहुत ही डिवाइन रेस से हूँ।